हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका सैनी फैमिली ब्लॉग में और मैं हूँ अर्चना। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे मामा जी की लड़की की शादी है और आज है दिन है थर्सडे और डेट है 8 दिसंबर। तो आज बस वहीं पर जाने की तैयारी हो रही है सुबह से, और अभी टाइम हो गया है 1:05 हो गए हैं। तो अभी मैंने जो कपड़े वगैरह थे बच्चों के वो निकाल दिए हैं, वहाँ पे भी पहन लेंगे जो, और जो पहन के जाएंगे वो भी निकाल दिए हैं अपने भी, बच्चों के भी और बच्चों के डैडी के भी, तो निकाल दिए हैं। और अभी तैयारी करूँगी मैं दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने में मैं खिचड़ी बनाऊँगी, मम्मी ने कहा है हल्का फुल्का जो भी मतलब खाओगे खा के चले जाना, खिचड़ी ही बना लो, खिड़की बोल रही हूँ। तो बस अभी मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। और अभी हमें भी स्कूल गया है और आदि भी डॉक्टर के यहाँ पे गया है, तो डॉक्टर के यहाँ पे अपॉइंटमेंट था इसलिए उसको मतलब मैं एक दिन पहले चली जाती। मामा जी बहुत दिनों से बुला रहे हैं, जब उसको हल्दी लगी थी ना मामा जी की बेटी को, तो तब से ही बुला रहे हैं। बस तबीयत ख़राब है ना, इसी वजह से मेरी भी और बच्चों की भी, इसी वजह से जल्दी नहीं जाया गया। और अम्मे के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बस इसी वजह से। और आज उसका डॉक्टर के यहाँ पे अपॉइंटमेंट है आदि का, तो बस अभी उसको दिखा के ना फिर निकलेंगे तैयार होके। तो अभी बस मैंने वैसे तो मोटी मोटी सी जो तैयारी थी वो सारी कर दी है, बस अभी बाकी कपड़े पहनने रह रहे हैं और कुछ नहीं। तो अभी बस पहले मैं खाना बना लेती हूँ, खाना खिचड़ी बना लेती हूँ, और उसके बाद ही बस खा के फिर तैयार होंगे। जब तक दोनों बच्चे भी आ जाएंगे। और ये देखिए मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए हैं, तो अभी मैंने थोड़े थोड़े ही किए हैं हल्के फुल्के से। मेरा हाथ दर्द करने लगा था, अकेले से हो नहीं पता ना ये काम अपने आप से, तो अभी मैंने थोड़े से कर लिए हैं। और फिर जब मैं साड़ी पहन लूँगी उसके बाद कर लूँगी। तो अभी ये देखिए मेरे बाल स्मूथ से तो हो गए हैं अच्छे से, और ये मेरा स्ट्रेटनर है, मैंने इसी से किया है खुद से ही। तो अभी बस चलते हैं किचन में और खिचड़ी मैं तड़का लगा देती हूँ। तैयारी मैंने सब कर रखी है, चावल साफ़ करके रख दिए हैं, दाल वगैरह उसमें डाल के रख दिए हैं, और प्याज वाल मतलब सब काट के रख रखा है, बस मुझे उसमें तड़का लगाना है, छोंकनी है। तो अभी बस चलते हैं किचन में और फिर जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद तैयार होके फिर उसके बाद ही आपको मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम हो गए हैं रेडी और बच्चों के डैडी भी आने लग रहे हैं, अभी कोट पहन रहे हैं, बाहर कॉम कर रहे हैं। और आदि हमारा, इसने एक नींद भी ले ली है। इसके ऊपर क्या बेल्ट वेल्ट डाल रखी है आपने? उठाओ, चलो डैडी आवाज लगा रहे हैं। आदि चलो उठो, बस अभी निकलने लग रहे हैं हम। बैग वैग उठाओ, मेरा वाला चार्जर तो रखना, इससे चार्ज नहीं होता मेरा फोन। चल रहे हैं आदि को, छोड़ दो छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो इसको, ये जब देख नहीं रहा है इधर को, देखो ये रखे कुछ दिन उसको, जल्दी से चलो हटो, मेरे साथ जाएगा। अरे सेम सेम ड्रेस दोनों भाइयों की, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो रहे हैं क्या? आदि आप छोटे मियाँ हो, भैया बड़ा मियाँ है? मियाँ क्यों होते हैं? मियाँ है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है, है ना आदि? इधर देखो क्यूटी क्यूटी बच्चा आदि को तो आज। चलो अच्छा चलते हैं। गाइज, हम पहुंच गए हैं सीधा बैंकट हॉल में क्योंकि लेट हो गए थे, घर नहीं पहुंचे, सीधा बैंकट हॉल पहुंच गए हैं। और अभी दिखा देते हैं आपको बैंकट हॉल पूरा। तो गाइज ये देखिए पूरे हॉल का व्यू चारों तरफ से, और देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, बहुत ही सुंदर। और ये पूरा हॉल ओपन था, बाकी जो उठने बैठने का अरेंजमेंट था वो सभी का अंदर था, बच्चों के लेटने का उठने बैठने का सबका। और अभी कुछ ही लोग आए थे तो यहाँ पे बस हमने अपनी फोटो वगैरह लिए हैं, और मम्मी भी आ गई थी तो उनके साथ भी मैंने फोटो ले ली है, और बच्चों के साथ इनके साथ सबके साथ मैंने एक एक फोटो ले लिया है। और अभी बस जब सभी लोग आ जाएंगे तो हम सभी एक साथ इकट्ठे होकर खाएंगे खाना। मेरा भाई है, बच्चे उसके साथ ही खेल रहे हैं अपने मामा के साथ, और इनको तो आप जानते ही हो। और ये देखिए खाना शुरू हो गया है, भीड़ लगी हुई है पूरी, और अभी कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आने बाकी है, तो अभी बस अब उन्हीं का वेट कर रहे हैं, लेडीज का। लेडीज अभी आई नहीं है, कुछ आ गई है, कुछ अभी रह रही है। गाइस इससे भी मिल लीजिए, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलेगा ये आपको। हम वापस ब्लॉग में आ रहे हैं, हम तो नहीं आएंगे, ये आएंगे कभी कभी, ये भी आ जाएगा, कभी कभी ये भी आ जाएगा, रेगुलर हम आएंगे, है ना? आप अपनी सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है? हम
हमारे मामा जी, हमारे कन्हैया मामा जी। अब ये बताएंगे इनके कौन कौन से चैनल है। तो इनके भी चैनल चल रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, मिलियन चल रहे हैं। 1 मिलियन प्लस चैनल भी है। नाम बताओ मामा जी। ब्लॉग के 2 चैनल है हमारे, आशु एंड अरविंद चौधरी, और दूसरा है कृष्णा एंड मोमपुर। कृष्णा मोम एंड पुर, सॉरी, बुटीक वाले भी चैनल है। बुटीक वाले चैनल है जो, वो तो अलग है, वो तो एक श्री बुटीक है और एक न्यू कृति बुटीक है, और एक चंडीगढ़, और एक चंडीगढ़ बुटीक है। ये चैनल है, इनके 4-5 चैनल है, शायद जानते भी होंगे सब। तो गाइस देखिए, हमें शादी में कौन मिला है, हमारी मामी जी। इनका चैनल है आशु एंड अरविंद चौधरी के नाम से। तो अब बोलिए। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और हम दोनों हैं, मैं इसकी मामी हूँ रिश्ते में, और हम शादी में दोनों ही आए हुए हैं। जहाँ पे शादी है दोनों का ही रिलेटिव है वहाँ पे। मेरी बहन लगती है, इनकी भांजी लगती है, तो बस वहीं पे ही आए हैं। बहुत अच्छा लगा मिलके सबसे, और जब शादी में आते हैं पता ही है सबको, अच्छा लगता है, एक साथ सभी इकट्ठे होते हैं। और आपको पता ही है, ये भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है। अभी कुछ दिन बंद हो गई थी क्योंकि लैपटॉप मेरा टूट गया था, लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक हो गया है वो। तो आप इनके चैनल को भी बहुत सपोर्ट करें, बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, और शेयर करें, लाइक करें। तो बस देखते रहें, यही है आपसे रिक्वेस्ट कि आप इन्हें भी सपोर्ट करें। और ये है मेरी मम्मी, मम्मी सर्द मान लिया पूरी। मम्मी के साल तो कल सा जब साई उतरी नहीं। चलो सही है, मम्मी बीमार होती है, रहती है ना, इसलिए सोल ओढ़ रही है। गाइस अभी हम सब आ गए हैं खाना खाने के लिए, ये देखिए सभी खाने की तरफ चल दिए हैं। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं खाने की तरफ, और खाने में हमने सबसे पहले मीठे से ही स्टार्ट किया है। तो खाने मीठे में था मूंग की दाल का हलवा, गाजर का हलवा, रसगुल्ले, रसमलाई, काफी कुछ था। और फिर मीठा खाने के बाद हम आ गए हैं सीधा खाने की तरफ। खाना नाश्ता जो भी इसका बन था वो उसके बाद ले लिया है, और खाने नाश्ते में भी काफी कुछ आइटम्स थे, और खाने में भी काफी कुछ था। तो इतना तो मतलब जो कुछ मन था सबने थोड़ा थोड़ा ले लिया, और उसमें ही पेट भर जाता है थोड़ा थोड़ा करके ही। तो बस उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे फिर से अंदर की साइड, और बाराती आके थे। तो बाराती हैं यहाँ पे, बाराती यहाँ पे नाच रहे थे और सभी इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम आ गए थे ऊपर की साइड। तो यहाँ पे जैसे लड़की की जो बरी आती है ना, उसमें उसका सामान आता है। तो यहाँ पे देखिए उसकी लड़की की पायल है, मांग टीका है, और कड़े हैं उसके 2, ये देखिए, और गले का सेट है अभी, ये देखिए, और एक है मंगलसूत्र। तो ये 5 चीज़ें हैं लड़की की। और उसके बाद है कपड़े, सबसे पहले तो खिलौने ही हैं, 5 खिलौने हैं, और उसकी जो सैंडल वगैरह हैं, और 5 जो उसकी साड़ियाँ थी, और 7 जोड़े थे टोटल मिला के, 5 साड़ियाँ थी, 2 थे उसके सूट, तो 7 जोड़े हो गए थे। और 5 चीज़ें थी वैसी गोल्ड में, और बाकी जो गर्म कपड़े थे जैसे सोल कार्डिगन वगैरह, तो ये थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दुल्हन की जो भी है साड़ियाँ और सूट टॉयज वगैरह, तो ये भी आते हैं परी में, ये भी बहुत सुंदर थे, और ज्वेलरी भी बहुत सुंदर थी, सारी चीज़ें बहुत सुंदर लगी मुझे तो, और जो गर्म कपड़े थे वे भी। तो आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताना, सारी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह जो कपड़े थे आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो और मामा जी ने यहाँ पे और जो उठने बैठने का था सभी अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा शादी में आके। और अभी जो आगे के कार्यक्रम है जैसे कि दुल्हन की एंट्री, जयमाला, फेरे, विदाई, सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बस आगे के जो कार्यक्रम है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो बस मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।